Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ढोकले की रेसिपी. ढोकला बेसिकली गुजराती क्विजीन की डिश है, लेकिन आजकल एज अ साइड डिश टू अदर क्विजींस भी यूज़ किया जाता है. ढोकले के टेस्ट और एरोमा की वजह से आजकल ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर डिश है. तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं. लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें. तो ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले लीजिए एक मिक्सिंग बोल और उसमें ऐड करें 2 कप बेसन. नेक्स्ट हम ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक. मैंने यहाँ आधा चम्मच के करीब नमक लिया है. नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें यूज़ करना है 2 चम्मच चीनी और फिर ऐड करें 1/4 स्पून हल्दी पाउडर. आप नमक और चीनी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप हल्दी पाउडर को ज़्यादा ऐड ना करें क्योंकि ये सिर्फ एक ढोकले में येलो कलर देने के लिए यूज़ होता है. ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड कर लिए हैं. अब एक विस्कर की हेल्प से इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें. जब सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्स हो जाएं तो इसमें हम ऐड करेंगे 3/4 कप दही. और अब आता है ढोकले का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जिसकी वजह से ढोकला स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनता है. तो बस आपको क्या करना है कि आपको 1 कप में पानी लेना है और उस पानी को ग्रेजुअली बेसन में ऐड करके अच्छे से फेंटना है. आपको करीब 5 मिनट्स को बेसन को एक ही डायरेक्शन में फेंटना है जिसकी वजह से इसमें हवा भरेगी और ढोकला स्पॉन्जी होता रहेगा. तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैं बार बार थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ और इसको लगातार फेंट रही हूँ. आप देख सकते हैं फेंटने से बेसन का टेक्सचर कैसे चेंज हो रहा है, एकदम से क्रीम और स्मूदी सा टेक्सचर होता जा रहा है. तो ऐसे ही लगातार आप 5 मिनट फेंटेंगे तो इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव, बहुत इन्हेंस हो जाएगा. और इस स्टेज पे आप देख सकते हैं कि बेसन ऑलमोस्ट अच्छी तरीके से फट चुका है. इसमें एक क्वांटिटी भी इसकी आप देखेंगे तो इंक्रीज़ हो चुकी है फेट फेट कर. तो इस टाइम पे मैं इसका कंसिस्टेंसी चेक आपको दिखा देती हूँ कि आपको किस कंसिस्टेंसी का चाहिए. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको बेसन सिर्फ फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का लेना है. दैट मीन जैसे आप उसको चम्मच से निकालें तो एकदम आराम से नीचे गिर जाए. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एकदम डिज़ायरेबल कंसिस्टेंसी अचीव हो चुकी है. एंड फाइनली मैं ऐड कर रही हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट जो है इनो. तो इनो का ये पैकेट यूज़ कर रही हूँ मैं, तो ये इसमें अराउंड 1 टेबल स्पून इनो होगा. तो मैं पूरा इनो का पैकेट इसमें डाल देती हूँ. इस टाइम पे आपको फिर से इसे बहुत अच्छे से फेंटना है. तो ये देखिए एक विस्कर की हेल्प से मैंने फिर से इसको फेंटना स्टार्ट कर दिया है. और जैसे ही मैं फेंट रही हूँ आपने देखा होगा कि इसका जो क्वांटिटी है वो अचानक से डबल हो चुकी है और इसमें बहुत ज़्यादा बबल्स आने लगे हैं. और यहाँ आप देख सकते हैं कि अब ढोकले का बैटर बिल्कुल तैयार है इसे कुक करने के लिए. तो कुक मैं इसे बेसिकली माइक्रोवेव में करूँगी. इसको हम गैस पे भी करते हैं लेकिन वो मैं कभी और वीडियो पोस्ट करूँगी. ये मुझे इंस्टेंट ढोकला बनाना है तो इसलिए मैं इसे माइक्रोवेव में कुक करूँगी. तो यहाँ मैंने बेसिकली 2 माइक्रोवेव सेफ बॉक्सेस लिए हैं जिनको मैंने ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया है और ये सारा बैटर मैंने इन दोनों बॉक्सेस में पोर कर दिया. मैंने ये छोटे छोटे 2 बॉक्सेस लिए हैं. आप चाहते तो एक बड़ा बोल या फिर बड़ा बॉक्स भी ले सकते थे. बैटर पोर करने के बाद ये बॉक्सेस ओवन में रखने के लिए रेडी हैं. तो मैंने इनको माइक्रोवेव मोड पर ही ओवन में रखा है. आपको ग्रिल या कन्वेक्शन पर नहीं जाना है, माइक्रोवेव मोड पर ही रखेंगे. और बस मैं ओवन को सेट कर रही हूँ 4 मिनट्स के लिए. तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसे 4 मिनट्स के लिए सेट कर दिया है और ये स्टार्ट हो चुका है. चलिए तब तक हम कर लेते हैं ढोकले में लगने वाले तड़के की तैयारी. तो मैंने तड़के के लिए एक पैन में ऐड करा है 3 चम्मच ऑयल और इसके साथ साथ मैंने इसमें ऐड करी है 1 चम्मच राई. ये एक्चुअली मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि मैं वीडियो ऑन करना भूल चुकी थी और मैंने दोनों सामान डाल दिए, तो इसलिए सिर्फ मैं आपको ये पैन में डले हुए दिखा रही हूँ.
राई जब अच्छे से क्रैकल होने लगेगी तो इस टाइम पे हम ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्च। तो मैंने हरी मिर्च को बीच से स्लिट करा हुआ है और उनको लंबा लंबा ही ऐसे ही तेल में डाला है। मैंने यहाँ 3 हरी मिर्च का इस्तेमाल करा है। नेक्स्ट एलिमेंट जो तड़के में जाएगा वो है चीनी, लेकिन चीनी ऐसे गर्म तेल में नहीं डालना है, थोड़ा सा अपने को फ्लेम रिड्यूस करके चीनी ऐड करनी है ताकि चीनी जले ना। तो मैंने जब तेल थोड़ा सा ठंडा हो गया तो उस टाइम पे मैंने चीनी ऐड करी है। और लास्टली मैं इसमें ऐड कर रही हूँ करी पत्ता। करी पत्ता ऐड करके आपको बस हल्का सा स्टर करके गैस को बंद कर देना है ताकि ऑयल ठंडा हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट हमें इसमें ऐड करना है पानी। पानी जब आप तेल में डालते हैं, गरम तेल में डालते हैं, तो उससे छींटें बाहर आती हैं जिससे आप जल भी सकते हैं। इसलिए हमने इसको एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आए हैं या फिर बहुत हल्के टेम्परेचर पे कर लिया है। यहाँ मैं चीनी भी डिसॉल्व कर चुकी हूँ और बाकी चीनी जब मैं पानी डालूँगी तब डिसॉल्व हो जाएगी। तो बस ये ठंडा हो चुका है और इस टाइम पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 कप पानी। मैंने 2 कप बेसन लिया था तो इसलिए मैंने यहाँ 2 कप पानी यूज़ करा है। आप चाहें तो थोड़ा पानी की क्वांटिटी एक्सीड कर सकते हैं, बट मुझे बहुत ज़्यादा सॉगी ढोकला नहीं पसंद है तो इसलिए मेरे लिए 2 कप पानी सफिशेंट है। अब बस फ्लेम ऑन करके चीनी को पानी में डिसॉल्व कर लीजिए और उसके बाद गैस ऑफ करके इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देंगे। बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पर। यहाँ 4 मिनट्स हो चुके हैं, हम ढोकले को ओवन से बाहर निकालते हैं। लेकिन बाहर निकालने से पहले आपको इसे चेक करना है कि प्रॉपरली कुक है या नहीं। तो ये मैंने फोक अंदर इंसर्ट करके देखा है, अगर ये एकदम क्लीन बाहर आता है तो दैट मीन्स इज परफेक्टली कुक्ड, अदरवाइज आप 1 से 2 मिनट और रख सकते हैं। मेरा ढोकला एकदम परफेक्टली कुक हो चुका था तो इसलिए मैंने इसको बाहर निकाल लिया। अब मैं इसको कर देती हूँ डीमोल्ड। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्टली ढोकला बाहर निकल के आया है, बिल्कुल नहीं चिपका था और एकदम फ्लफी सा बनकर रेडी हुआ है। आपको ये पोर्स इंडिकेट कर रहे हैं जो ढोकले में हुए हैं कि ढोकला एकदम फ्लफी बना हुआ है। अब बस 3 to 4 मिनट्स के लिए इसे ऐसे ही रख दें ताकि थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए और ये जब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तो उसके बाद हम इसे करेंगे कट। मैं इसे कट कर रही हूँ स्क्वायर पीसेज में, तो आप देख सकते हैं पहले मैंने इसको वर्टिकली कट करा है और अब मैं इसको हॉरिजॉन्टली कट करूँगी। सारे पीसेस कट हो चुके हैं, अब मैं जस्ट आपको इसको चेक करके दिखाती हूँ कि कितना फ्लफी बन के रेडी हुआ है। तो मैंने एक पीस उठाया है और इसके जो पोर्स हैं, जो जालियाँ हैं, वो इंडिकेट कर रही है कितना फ्लफी बना हुआ है। करीब 5 मिनट बाद ढोकला और तड़का जो हमने प्रिपेयर किया था दोनों नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुके हैं। इस टाइम पर हम ढोकले पर तड़के को स्प्रेड करेंगे, तो एक स्पून की हेल्प से सारे ढोकले पर आपको ये तड़का स्प्रेड कर लेना है। और जब सारा तड़का स्प्रेड हो जाए ढोकले के ऊपर तो उस टाइम पे आपको बस इसको 10 टू 15 मिनट्स के लिए रख देना है ताकि जो हमने तड़के में चीनी डाली है और उसकी चाशनी बनी है तो वो ढोकले में अंदर तक शुगर सिरप अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। 15 मिनट्स बाद आपका परफेक्टली स्पॉन्जी ढोकला बन के रेडी हो जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं मैं इसे सर्व कर लिया है मैंने एक प्लेट में, तो ये देखने में कितना ज़्यादा टेम्पटिंग और डिलीशियस लग रहा है। और ये मैंने, ये मेरी मम्मा कहती हैं बिकॉज़ उनकी फेवरेट डिशेज़ में है ढोकला और उनके अकॉर्डिंग मेरा बनाया हुआ ढोकला मार्केट या रेस्टोरेंट के ढोकले से ज़्यादा टेस्टी लगता है उनको। तो जल्दी से आप भी ट्राई करें इस ढोकले को अपने घर पर, सबको सर्व करें और सबका ओपिनियन लें कि ये कैसा लगा सबको। और हाँ, लास्ट में आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ टू लाइक द वीडियो, कॉमेंट ऑन इट, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।